बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबरता सारा के प्लेटफॉर्म से हम आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट एच एम खान। सलाम अलैकुम मेरे पाकिस्तानियों, उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अक्सर लोगों ने मुझे ईमेल करके एक सवाल किया है और वो रिलेटेड है खुद जाके इम्पोर्ट करने से। मुझे लोग कहते हैं कि हम अगर चाइना चले जाएं तो हमें क्या चीज़ें सस्ती मिल जाएंगी, और वहां से अगर हम चीज लेकर आना चाहें तो किस तरीके से लेकर आएंगे और उसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, और वहां से अगर हम प्रोडक्ट को लेकर आते हैं तो सुना है हमें टैक्स भी कम पड़ेगा। आज का हमारा ब्लॉग इसी टॉपिक से रिलेटेड है। मैं आपको बताना चाहूंगा चाइना जाके प्रोडक्ट के परचेज करने में आपका क्या बेनिफिट है, और वहां से आप कितनी क्वांटिटी लेकर आ सकते हैं और किस तरह लेकर आ सकते हैं, और आया उसमें कस्टम या ड्यूटी में आपकी बचत हो सकती है या नहीं हो सकती है। नए आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, आपका अपना चैनल है, बेल आइकन पे क्लिक करें, और मुझसे बात करनी हो नीचे ईमेल एड्रेस मौजूद है। एनी टाइम व्हेन एवर आई फ्री मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। देखिए, चाइना से प्रोडक्ट परचेज करने में सिर्फ आपको जो बेनिफिट हो सकता है वो ये हो सकता है कि प्रोडक्ट को आप अपने सामने देखकर ले सकते हैं। जहां तक बात है वहां से लेकर आके और यहां से बचत में, पाकिस्तान पे वो चार्जेस उसी तरह लागू होंगे जिस तरह आप एक कोरियर के जरिए मंगवाते हैं। आपको टैक्सेस और ड्यूटीज उसी तरीके से पे करनी पड़ेगी। हाँ, क्वांटिटी अगर आपकी कम है, 5-10 किलो 15 किलो, तो फिर तो आपको बेनिफिट है, लेकिन क्वांटिटी ज्यादा है सेल एंड परचेज के पर्पज से लेकर आए हैं तो मुकम्मल आपको यहाँ डाटा फ्राहम करना पड़ेगा प्रोडक्ट का। तो ये तो बात है पाकिस्तान में इम्पोर्ट करने की। अब चाइना में प्रोडक्ट को खुद देखकर लेने में क्या फायदा है? जिस तरह मैंने बताया कि बेनिफिट ये है कि प्रोडक्ट को अपने सामने देख लेंगे, सप्लायर आपके सामने होगा, चीज को आप अच्छे तरीके से समझ के ले सकते हैं। लेकिन इसमें जहां तक बात आपकी इन्वेस्टमेंट की है तो उसमें आपको फायदा कोई नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। क्योंकि चाइनीज के सामने जब कस्टमर चल के आ जाता है तो वो उसके साथ उसी तरीके से सौदेबाजी करते हैं जिस तरह पाकिस्तान में आप किसी होलसेल मार्केट से, होलसेलर से अगर परचेज करने जा रहे हैं। अगर आप यहाँ बैठ के उनके साथ बार्गेनिंग करें, इवन के मैंने ये भी देखा और खुद भी मेरे साथ ये हुआ है, उसमें हम रेट तोड़वाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन मौके पे जब उन लोगों से जाके मिलते हैं, बेशक हम उनकी दावत पे ही जाते हैं, तो वो हमारे साथ ताबुन नहीं करते। मोस्टली उन केसेस में जहां हमारी प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है 1 किलो से लेके कोई 100 kg के दरमियान है, हाँ उस सूरत में आपको बेनिफिट है। अगर आप पूरा एक कंटेनर बुक करवाना चाहते हैं या कोई मशीनरी परचेज करना चाहते हैं या उससे रिलेटेड रॉ मटेरियल आप महीने में 1 से 2 कंटेनर मंगवाना चाहते हैं, देन डेफिनेटली आपको फायदा होगा। लेकिन छोटी आइटम और खासतौर पे वो लोग जो कि वॉचेस, मैग्नेट्स या खिलौने हो गए या टी शर्टें हो गई और मोबाइल एक्सेसरीज हो गई, वो ये सोचते हैं हम चाइना चले जाएं, आजकल वीजा भी बहुत आसानी से मिल जाता है, टिकट भी बड़ी कम है, हम चाइना में खुद ही जाके घूम फिर के हम ले लेंगे। आपको सर कोई बेनिफिट नहीं होने वाला इन केस अगर आप कंटेनर नहीं मंगवा रहे। तो ये तो है चाइना की मार्केट का इस टाइम जो मियाद। सेकेंडली ये वहां जाके आपको ये भी नहीं पता लगता कि आप आया के फैक्ट्री में उनके जो सप्लायर से मिल रहे हैं वो वहां क्या जॉब करता है। वो अपनी डिस्क्रिप्शन आपको कुछ भी बता सकता है, वो अपनी डेजिग्नेशन आपके साथ कोई भी डिस्कस कर सकता है, वो आपको अपनी डेजिग्नेशन कुछ भी बता सकता है, लेकिन क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है, आप उसकी लैंग्वेज को नहीं अंडरस्टैंड कर रहे होते, इसलिए आपको पता ही नहीं है कि वो वहां करता क्या है। मोस्टली एजेंट्स का रोल अदा कर रहे होते हैं और बताते हैं ये हमारी फैक्ट्री है, आपको हम यहाँ विजिट करवाते हैं। वहां से जब वो सेल एंड परचेज कर रहे होते हैं, लेकिन वो डीलिंग उनकी होती है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रही होती, आपको पैसे अदा करने पड़ते हैं और बाज़ुकात छोटी क्वांटिटी में ज्यादा भी पैसे देने पड़ जाते हैं। उसके बाद वहां फिर बेहतर होगा आप पाकिस्तान से कोई फ्रेट फॉरवर्डर का बंदोबस्त करके जाएं, उनके वेयर हाउस में आप माल ड्रॉप करें, उनका काम बेहतर होगा आपको पाकिस्तान में आपकी चीज आपके घर तक पहुंचा देना। लेकिन अगर क्वांटिटी कम है, 5-10 किलो 15 किलो इवन के 20 किलो तक और आप कैरी कर सकते हैं तो ले आए, लेकिन पाकिस्तान में प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा तो आपको देना पड़ेगा। और आपकी सोच अगर ये है कि उससे हमें बचत हो जाएगी, हमें शायद टैक्स या ड्यूटी में छूट होगी, आपको कतन कोई ऐसी छूट नहीं मिलेगी। रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक जो टैक्सेस की सूरत हाल होगी वो आपको देनी पड़ेगी, HS कोड के ऊपर डिपेंड करता है, ये माइंड में रखें। और मे भी अक्सर लोगों के साथ प्रॉब्लम ये आती है, ना उनके पास मनी एविडेंस होता है, सेकेंडली ना उन्होंने सोर्स ऑफ इनकम बताया होता है कि आपने अपने पैसे जो है वहां किस तरीके से अदा किए। आप कहेंगे जी कि मैं तो जी $1000 लेकर गया था, मैंने वहां जाके पे कर दिया, लेकिन उसकी रसीद यहां मांगी जाएगी। सेकेंडली ये
उसका एचएस कोड मौजूद होगा। अगर आप एचएस कोड नहीं प्रोवाइड करेंगे तो अंडरस्टूड बात है, कस्टम वाले खुद ही ऑटोमेटिकली चेक कर लेंगे उसकी रूलिंग के मुताबिक जो उसका वजन बनता होगा या जो भी रूलिंग मौजूद होगी, जो रूलिंग के मुताबिक वो उसकी पेमेंट लगाएंगे। चाहे आपने बेशक $100 की क्यों ना खरीदी हो, अगर वो 1000 भी बन गई तो 1000 के ऊपर आपको टैक्स अदा करना पड़ेगा। अक्सर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है, तो ये चीजें जो है ना समझ बूझ के जानी चाहिए। सेकेंड, मैं फिर भी यहाँ एक अच्छी ऑप्शन यही दूंगा कि खुद भी वहां जाके परचेजिंग करना चाह रहे हैं, आपके अपने ऊपर है, आप परचेज करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन फ्रेट फॉरवर्डर का बंदोबस्त पाकिस्तान से करके जाएं, उनका चाइना का एड्रेस लेके जाएं, उनके एड्रेस पे माल डिलीवर करवा दें, उसके बाद उनके साथ रेट तय कर लें कि वो आपके घर तक पहुंचा देंगे। आपका पाकिस्तान में शहर किसी भी शहर से ताल्लुक है, वो उनका काम है आप तक पहुंचा देना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। मुझसे बात करनी हो नीचे ईमेल एड्रेस मौजूद है, एनी टाइम आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। फिर मान लिया, पाकिस्तान जिंदाबाद। Thank you.